सत्ता का भविष्य तय करने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस ने मतदान में अधिकारियों के पक्षपाती रवैये को लेकर मतगणना में स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग चुनाव आयोग से की है और चुनाव अधिकारी के मतगणना के दौरान मोबाइल उपयोग को प्रतिबंधित करने की भी मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आयोग को दिए ज्ञापन में चुनाव अधिकारियों के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ डाक मतपत्र और ईवीएम की सुरक्षा, मतगणना की लाइव रिकॉर्डिंग और परिणाम की घोषणा बड़े स्क्रीन पर दिखाने के साथ 5 ईवीएम के मतों का मिलान वीवीपैट से कराने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और मुकुल वासनिक की ओर से चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है कि मतगणना व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए और लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। पहले ये लोग ग्वालियर से मुझे खबर आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काउंटिंग होगी, लोग बैठेंगे और वहाँ टेबल पे नहीं होगी। इसका विरोध ग्वालियर में भी हुआ और हमारे तनखा साहब और दिग्विजय सिंह जी ने किया, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की चुनाव आयोग से दिल्ली, तो ये सामने बात आई है कि वहाँ होगी। दूसरा, बैलेट जो है वो पहले गिने जाएंगे और अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं रहे, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं आए कि जो ये सरकार से कम्युनिकेट कर सकें, तो वो निर्णय चुनाव आयोग ने मान लिया है। कांग्रेस की मांग है कि डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखा जाए। जिस तरह मतदान को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई थी, वैसे ही मतगणना को लेकर जारी की जाए। उम्मीदवारों को मतगणना के लिए लाई जाने वाली वोटिंग मशीन की जांच करने की अनुमति दी जाए और उसकी संतुष्टि को रिकॉर्ड किया जाए। हर मतगणना चक्र के परिणाम का सत्यापित प्रपत्र दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ संवाद किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा ने मतगणना की व्यवस्था को लेकर कई मुद्दे उठाए, साथ मतदान के दिन जौरा और सुमावली में हिंसा और पुलिस के दुरुपयोग की बात उठाते हुए कहा कि मतगणना के दिन ऐसी स्थिति कम से कम न बने। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।